तो जैसा कि अदनान अली जी ने बताया था कि जब ये मंजे आपके पास पहुँचें तो उनको थोड़ी देर धूप दिखा देना। तो हम उनके पास धूप दिखाने लाए हैं अपनी चरखियों को। देखिए दोस्तों, ये वही है जो पार्सल मुझे अदनान अली जी से आया है बरेली से। ये वही चरखी है, ये 123 पे है, 6 रील। आज हम इसको धूप दिखा रहे हैं। और दूसरी चरखी ये है, ये 8400 पे है, हैमर की डोर है, हैमर 8400। छत के लिए बेस्ट डोर होती है। और इसको आज हम धूप दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दें, ये थोड़ा धूप लग जाएगी इसको। ज़्यादा देर नहीं दिखानी है, उन्होंने कहा था बस आधा घंटा दिखा देना धूप, तो हम ज़्यादा देर धूप नहीं दिखाएंगे। और दोस्तों, ये मांझे मेरे पहले के मांझे हैं, मेरे पास पुराने मांझे हैं। ये भी बहुत अच्छा है, इसमें कांटा बहुत ज़बरदस्त है इस मांझे में, वो बहुत अच्छा लड़ता है। ये भी बहुत ज़बरदस्त कांटा है इसके अंदर, शार्प डोर है एकदम। ये 123 की डोर है, एकदम शार्प डोर। और एक चरखी मेरे पास पांडा की है, ये वाली नोतार पांडा, ये ब्लैक कलर की, ये नोतार पांडा है। तो आज जब हम इनको धूप दिखाने लाए हैं नई चरखियों को, तो हमने सोचा अपनी पुरानी चरखियों को भी थोड़ी धूप दिखा दें। ये नोतार पांडा है, पांडा 5, देखिए इस पर लिखा है पांडा 5। अच्छी डोर है ये भी, छत के पर्पज से, छत से लड़ाने के लिए अच्छी डोर है पांडा 5। और बाकी ये तो बेस्ट डोर है ही मेरी, पुरानी डोर है ये, तो अच्छा रिजल्ट देती है जब इससे लड़ाते हैं। तो दोस्तों, डोर थोड़ी पुरानी हो जाए ना तो उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है, अच्छा रिज़ल्ट देने लगती है। तो बस दोस्तों, अभी इतना ही, बस ये धूप दिखाने का वीडियो छोटा सा बनाया है मैंने, और मैं बंद करता हूँ वीडियो। ठीक है दोस्तों, आप भी अपने मांझे को, 15 अगस्त नज़दीक है और ये बारिश का टाइम है, तो अपने आप भी अपने अपने मांझों को धूप दिखा दें, थोड़ी बहुत नमी होगी तो निकल जाएगी और अच्छा रिज़ल्ट देगी डोर। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो को यहीं बंद करूँगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।